हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे पेंगुइन्स के बारे में कुछ रोचक जानकारी। पेंगुइन एक प्राचीन प्रजाति है और यह उड़ान रहित पक्षी है जो केवल दक्षिणी गोलार्ध में, विशेष करके अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं। पेंगुइन एक सामाजिक पक्षी है जो समूह में रहते हैं, समूह में ही शिकार करते हैं। पेंगुइन अपने भोजन को खाने के लिए अपने चोंच का उपयोग करते हैं क्योंकि इनके पास दांत नहीं होते। पेंगुइन एक मांसाहारी पक्षी है जिनका मुख्य खोराक छोटी मछलियाँ, छोटे जलीय जंतु, केकड़े और झींगा होता है। जब इनके पंख नष्ट हो जाते हैं तब यह पक्षी जमीन पर रहते हैं क्योंकि तब ये तैर नहीं पाते, लेकिन जैसे ही कुछ हफ्तों में इनके पंख आ जाते हैं तो फिर से यह पानी में रहने लगते हैं। यह पक्षी अपने अंडे पानी में नहीं बल्कि धरती पर ही देते हैं और उनके अंडों की संख्या करीब 2 से 3 ही होती है। अंडों को सहने की जिम्मेदारी नर की होती है जो अपने नरम पैरों से अंडों को गर्म रखता है। पेंगुइन के झुंडों में करीब 200 से 1000 तक की संख्या पाई जाती है। बड़े पेंगुइन अक्सर ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं जबकि छोटे पेंगुइन गर्म और उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। पेंगुइन के बच्चे जब तक पानी में तैरने के लिए समर्थ नहीं होते तब तक जमीन पर ही रहते हैं। यह पक्षी इंसानों के बीच अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए इंसान से डरते नहीं। इनका जीवन काल 15 से 20 साल का होता है। पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम एम्परर पेंगुइन है जो करीब 1 मीटर ऊंचाई और 35 किलोग्राम तक वजन का होता है। और सबसे छोटी प्रजाति लिटिल ब्लू पेंगुइन है, जिनको फेरी पेंगुइन के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और वजन 1 किलोग्राम के आसपास होता है। यह पक्षी आधा जीवन जमीन पर आधा पानी में बिताता है। पेंगुइन के पास विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जो रक्त प्रवाह से नमक को छानने का काम करती है, जिससे वो खारा पानी पी सकता है। पेंगुइन पक्षी जमीन की तुलना में पानी में अधिक क्षमता से देख सकता है। पेंगुइन पक्षी पानी के अंदर करीब 10 से 15 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकता है। यह पक्षी पानी के अंदर करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। धरती पर पेंगुइन करीब 4 से 5 फीट ऊंचा कूद सकता है। अपने जीवन का 75% शिकार पेंगुइन पानी में ही करता है। कभी कभी पेंगुइन पक्षी कंकड़ को भी निगल जाते हैं जो उनको भोजन पचाने में और पानी में गहराइयों में जाने के लिए आवश्यक भार प्रदान करता है। मादा पेंगुइन की एक रोचक बात यह है कि जब मादा अपने चूजों को खो देती है तो कभी कभी दूसरी मादा के चूजों को चुराने का प्रयास करती है। पेंगुइन के काले और सफ़ेद बाल होते हैं जबकि इन पक्षी के पंख ही उनके हाथ बन गए हैं जो उनको तैरने में सहायक होते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं 25 अप्रैल को वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।